39 ईयर्स ओल्ड रूसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर जाना सिंसोनोवा सिर्फ इसीलिए ही उनकी डेथ हुई क्योंकि वो एक काफ़ी लंबे टाइम से वैगन फ्रूट और कच्चे सब्जियों पे अपना जीवन निकाल रहे थे। फ्रेंड्स, सुन के बड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है, इन्होंने इस तरीके के नए नए फैंसी वर्ड्स लाके हमारे माइंड में इम्प्लांट कर दिया है। अपने ट्रेडिशन से भी बहुत दूर होते जा रहे हैं क्योंकि हम भूल रहे हैं कि हमारे हिंदू मान्यता में अन्न प्राशन एक संस्कार होता है। 16 संस्कारों में सातवें स्थान पर एक संस्कार आता है, अन्न प्राशन संस्कार। जब बच्चा सातवें महीने का होता है तब हम उसको खीर का प्रसाद दे के अन्न प्राशन संस्कार करवाते हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी के लिए ये चीज़ जो है वो कंपलसरी है, तब से शुरू होती है। यानी कि जब बच्चा सातवें महीने का होता है तब से हम उसे चावल जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं लाइट फूड में। तो वहाँ पे हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है कि हम उसको कुछ डिटॉक्स जूस पिला के हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी 6 मंथ्स तक तो मदर फीड है, 7th मंथ में हमने उसको कभी डिटॉक्स जूस पिला के हम अन्नप्राशन संस्कार नहीं करते। हम उसको कच्चा खिला के, सैलेड वैलेड खिला के हम अन्नप्राशन संस्कार नहीं करते। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि कच्चा चीज़ या पकी हुई चीज़ जो है वो हमारे संस्कारों में शामिल है। क्योंकि हमारे गीता में भी कहा गया है कि अन्न जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी बॉडी को ही न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, अन्न जो है बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड को भी, हमारे मन बुद्धि तेज को भी पोषण देता है। इसीलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन अब बात करते हैं इस वेलनेस इंडस्ट्री के इस काले सच के बारे में कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, बॉडी डिटॉक्स का जो फैंसी वर्ड चल रहा है, जो कि इतना बुरी तरीके से हमारे इम्प्लांट हो रखा है कि अब हमें कुछ भी ये समझ नहीं आता है कि बॉडी डिटॉक्स जैसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई आपको आके प्रूफ के साथ बता दे कि बॉडी डिटॉक्स जैसा कंसेप्ट कुछ नहीं होता है, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए जो 2 ऑर्गन होते हैं वो ऑलरेडी हमें दिए हैं भगवान ने, वो है लीवर और किडनी। लेकिन हमें ये बॉडी डिटॉक्स की जो इंडस्ट्री है इसके बारे में एक बार हम बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड $1.3 ट्रिलियन का बिजनेस ये वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो कर चुकी है। तो ये सब तभी सक्सेसफुल हो पाते हैं क्योंकि हम और आप जैसे लोग इनके उसके इंटेंशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा ये रीज़न है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल हम बिल्कुल सही नहीं कर पा रहे। सोने का, उठने का बिल्कुल प्रॉपर हमारा कोई सिस्टम नहीं है। बॉडी जो हमारी वो पूरी हार्मोनी में नहीं है। हार्मोनी में समझ रहे हैं बॉडी को क्या चाहिए, 7-8 घंटे की साउंड स्लीप चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, जो घर का बना हुआ सिंपल हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना चाहिए हमें। तो हमारी बॉडी पूरी हार्मोनी में रहती है, सारे जो भी अपने सिस्टम है वो अपने हिसाब से काम करते हैं और हमें इन सब डिटॉक्स के आइटम्स की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, तीसरी बात ये है कि हमारा फूड हैबिट जो है ना, वो जंक फूड और ये पैकेट फूड ये सब हम खा रहे हैं तो उससे हमारे एक्सोटॉक्सिन्स बॉडी में बन रहे हैं तो वो हमें नुकसान दे रहे हैं। बॉडी में 2 तरह के टॉक्सिन्स होते हैं, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन्स, या यूँ कह दें कि कुछ टॉक्सिन्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। और जब हम ये फालतू की चीज़ें डिटॉक्स के लिए चक्कर में डालते हैं तो जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं वो भी फ्लश आउट हो जाते हैं और उस चक्कर में जो इनका जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी की जो सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। इसीलिए हमें इन डिटॉक्स के जो भी चक्कर है इससे हमें बचना चाहिए और साथ ही साथ हमारी बॉडी की जो कंसेप्ट है उसे हमें समझना चाहिए कि उसको कितनी नींद चाहिए और क्या खाना चाहिए और क्या हमें नहीं खाना है, कितना सोना है। जो बेसिक हमारा आयुर्वेदा का सनराइज से सनसेट तक का जो भी सिस्टम है वो हमने फॉलो कर लिया तो हमें ये डिटॉक्स के जो चक्कर है उसमें हम जाने से बच सकते हैं, अपनी फैमिली को भी बचा सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।